मंडी और नाहन का दौरा अज रहेगा प्रधानमंत्री का। उस तो बाद प्रधानमंत्री पंजाब जाएंगे फिर लुधियाना पहुंचेंगे, जिसन लैके लुधियाना के लोग खासे उत्साहित ने। रैली लैके प्रशासन के वलों सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री लुधियाना अज SC ST हब न लॉन्च करन वाले ने, जिस नाल छोटे और दरमियाने उद्योगों बेहतर क्लीन टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। अज PM नरेंद्र मोदी लुधियाना पहुंच रहे हैं। इत्थे PM नरेंद्र मोदी व्यापारियों नूं सन्मानित करनगे। MSME वालों करवाए जा रहे इस प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र। उत्थे उन्होंने PM नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के बारे जानकारी दी। लुधियाना में नरेंद्र मोदी 250 के करीब छोटे व्यापारियों नूं सन्मानित करनगे। इस दे नाल ही खादी उद्योग नाल जुड़े लोगों नूं, खासकर औरतों नूं, इलैक्ट्रॉनिक चरखे वंडे जाणगे। जिन्होंने अपने इंडस्ट्री में विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं प्राप्त की हैं, ऐसे लोगों का चयन हुआ है, उनको अवार्ड प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ खादी ग्रामोद्योग से संबंधित जो हमारे कारीगर हैं, विशेष रूप से महिलाएं, उनको चरखा भी प्रदान किया जाएगा। मुख्य रूप से वही एक तो खादी के चरखे को प्रधानमंत्री जी, कभी गांधी जी ने चरखा सम्मेलन की थी, वही चरखा सम्मेलन यहाँ की है और वो चरखा उन आर्टिजन को हम समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री के हाथों से। इस दे नाल ही कलराज मिश्र ने दसिया कि PM नरेंद्र मोदी व्यापारियों नु सम्मानित करने दे नाल ही दो नवी योजनावां नु भी शुरू करेंगे। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री ने अवार्ड तो दिया है, नहीं कोई स्कीम लॉन्च नहीं की है। अब वो स्कीम, दो स्कीम है विशेष रूप से, एक SC ST हब इससे संबंधित योजना है और दूसरा है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। व्यापारियों ते उद्यमियों नु सम्मानित करने के पिछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बेरोजगारी तो स्वयं रोजगार तक ले जाने की सोच है, जो इसी तरीके नाल उत्साहित करके पूरी की जा सकती है। तफिल मल्होत्रा, जी मीडिया, लुधियाना। तैयारियां तुसीं वेखियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुधियाना दौरे नूं लैके, ते इस दौरे के मद्देनज़र अज कांग्रेस लुधियाना विच ही चिट्टा रावण दहन करने वाली है, जिसके पिछे कांग्रेस का मकसद प्रधानमंत्री का ध्यान सूबे के नौजवानों अपनी चपेट च लै रहे नशे की आदत वल खिंचना रहेगा। उत्थे कांग्रेस वर्करां ने कल भी कई थावां ते चिट्टे रावण का दहन किया। अमृतसर च कांग्रेस के वर्करां ने चिट्टा रावण का दहन किया। कांग्रेस वर्कर का कहना है कि चिट्टा रावण पंजाब की त्रासदी का प्रतीक है और उसनू साड़न नाल पंजाब नू फिर तो खुशहाली की राह से लियाना चाहते हैं। कांग्रेसी आगू लाली मजीठिया मुताबिक कांग्रेस सरकार ही सूबे नू नशा मुक्त बना के तरक्की की राह से वापस ले सकती है। देखो ये जिहड़ा अज इत्थे चिट्टा रावण साड़िया गया, ये पंजाब की त्रासदी का प्रतीक आ और पंजाब दी त्रासदी नूं पंजाब इंडियन नैशनल कांग्रेस ते पंजाब यूनिट ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कियादत दे विच ये फैसला कीता कि असीं इत्थों चिट्टा खत्म करना, असीं पंजाब नूं चंगीआं लीआं ते लिआउणा चाहुंदे आ, पंजाब दे विच रीहैबिलिटेशन करवाउणा चाहुंदे आ। अकाली आगू विरसा सिंह वलटोआ दा कहिणा कि कांग्रेस जो मर्जी कर लवे पर सत्ता च वापसी नहीं कर पावेगी। उत्थे BJP आगू विनीत जोशी ने नशे दे मुद्दे ते केजरीवाल ते कैप्टन नूं मशवरा देंदे हुए निशाना साधिया। एक टोटल ड्रामेबाजी ते कांग्रेस उतरी, कदी विधानसभा च धरना, कदी मुख्यमंत्री दी कोठी अगे धरना, कदी पत पुतले फूकने, कदी कुछ करना, कदी कुछ करना, हुण जो मर्जी कर लै। हुण कांग्रेस पंजाब च सत्ता च नहीं आउंदी। अज मैं इहनां नूं पुछदा जे पंजाब दे 70% लोग नशेड़ी ने ते क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दे 70% वर्कर नशेड़ी नहीं है? क्या उन्होंने वर्कर बाहरों आ गए ने जड़े पंजाब तो नहीं है?
भाव यह है कि पंजाब के अंदर 70% लोग नशेड़ी नहीं ने। घट तो घट मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तुसी कुछ भी करो कैप्टन साहब, केजरीवाल साहब, पर पंजाबियों नू नशेड़ी पेंट ना करो। कांग्रेस के कौमी उप प्रधान राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल नशे नू लैके सूबा सरकार नू घेरन की कोशिश करते रहते हैं। चंडीगढ़ तो पुनीत परिंजा, अमृतसर तो राजू साई, जी। पंजाब कांग्रेस मिशन 2017 की कामयाबी नू लैके जोर शोर नाल जुटी हुई है। इसी दे चलदिआं पंजाब कांग्रेस ने सोमवार तो अपनी 3 दिनी किसान बस यात्रा शुरू की है। यह यात्रा अज फरीदकोट और बठिंडा पहुंचने वाली है। कांग्रेस सूबा प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्नी दिनी दो इन्ह थावां ते किसानां नू संबोधित करनगे। उत्थे ही कल भी कैप्टन यात्रा के शुभ आरंभ के मौके पर किसानों के रूबरू होए, जिथे उन्होंने कर्ज हेठ दबे किसानों दीआं मुश्किलां दे बारे विच गलबात की। पंजाब कांग्रेस की किसान यात्रा का आगाज हो गया, जो 3 दिन तक पंजाब के कई जिले होकर गुजरेगी। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस मुखी कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मौजूद रहेंगे। कैप्टन ने कर्ज थले दबे किसानों दी मुश्किलों का जिक्र किया है। उन्होंने दसिया कि कांग्रेस किसानों को भरोसा दिलाना चाहती है कि उन्होंने सरकार बन तो उन्होंने जमीन की कुरक नहीं होगी और किसानों उन्होंने फसल का उचित भाव मिलेगा, जो फिलहाल MSP के घट रेट से फसल बेचने मजबूर ने। मालूम है कि किसानी के साथ क्या हो रहा है पंजाब में, कैसे खुदकुशियां चल रही हैं, और हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि ये जो कुड़की वगैरह लगा रहे हैं हमारे लोगों पे, कि हम ये होने नहीं देंगे, हम जिम्मेवारी आप लेते हैं इस बात की, और हम जो फसल की सही रकम देंगे। आज 1510 है जो MSP, लेकिन लोग आज 1100 में बेच रहे हैं, ये लूट रहे हैं लोगों को। तो दिस इज़ फार्मर्स के साथ सॉलिडेरिटी, और फार्मर्स को बोलते हैं कि परवाह मत करो, 3 महीने में आए आपका जो प्रॉब्लम्स है हम ठीक करेंगे। चंडीगढ़ तो शुरू हुई कांग्रेस की किसान यात्रा का पड़ा होया मोगा के कस्बा बागा पुराणा च लोग कैप्टन की अगुवाई च कढ़ी गई यात्रा शरीक हुए, ताहे रैली की शक्ल अख्तियार कर गई। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो च कांग्रेस लियाउण दे नारे लगे तो इस तो कैप्टन उत्साही नजर आए, तो पहुंचे किसान भी आसवंद नजर आए। ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ BJP ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ BJP ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 60-65 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਗਗਨ ਬਾਟਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਿੰਜਾ, ਜ਼ਿਮੇ।